अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल पर। मेरा नाम है मिशी और मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अपनी बैंगल कलेक्शन, कड़े जो मेरे पास हैं उसमें मैं आपके लिए छोटी सी कलेक्शन लाई हूँ। होप कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहले जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वो ये एंटीक बैंगल है, कड़ा पिंक कलर का और गोल्डन कलर का, बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था कराची में, तो ये आई थिंक मुझे प्राइस जो है वो कन्फर्म याद नहीं है, ये मैंने 250 या 300 का लिया था। तो ये पिंक ड्रेस के साथ, गोल्डन ड्रेस के साथ, आपका वाइट ड्रेस के साथ बहुत ज़बरदस्त चलता है। और जो है क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसका कलर भी अभी तक कोई ख़राब नहीं हुआ है, फेड नहीं हुआ है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। मैं अक्सर जो है अपने ड्रेसेस के साथ इसको पहनती हूँ। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो जो है मुझे गिफ्ट मिला है, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पर। ये गोल्डन कलर है, ये फॉर्मल ड्रेस के साथ भी आप इसको पहन सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर इसको पार्टी ड्रेस के साथ पहनती हूँ। कभी कभी जब मुझे ज़्यादा अपने हैवी ज्वेलरी करनी होती है तो फिर मैं इसको पहन लेती हूँ। ये भी मेरे पास काफ़ी पुराना है और आप ये देखें कि इसका भी कोई स्टोन ख़राब नहीं हुआ है, कोई इसका कलर भी जो है वो ख़राब नहीं हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है और अक्सर जो है मैं ये पहनती हूँ। आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग के पास भी इस तरह की कलेक्शन है और आप लोग क्या देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, इसलिए मुझे इसकी प्राइस का जो है वो नहीं पता और कहाँ से लिया ये भी मुझे नहीं पता। ये मेरी फ्रेंड जो है सऊदीया से लेकर आई थी, तो ये भी बहुत प्यारा है। ये ज़्यादातर मैं फॉर्मल ड्रेस के साथ पहनती हूँ। ये प्योर गोल्डन कलर में है, आप लोग देख रहे हैं, ये प्योर गोल्डन कलर में है और बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैं अक्सर अपनी गोल्डन ड्रेसेस के साथ जो है वो पहन लेती हूँ, लॉन के सूटों के साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये भी देखिए बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये आया है सऊदीया से है, तो इसके लिए इसका भी मुझे नहीं पता कि इसकी भी प्राइस क्या होंगी। तो नेक्स्ट जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी वो ये मेरा सेट के साथ का है, मतलब इसके साथ इयररिंग्स भी हैं और इसके साथ रिंग भी है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका लॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका लॉक अच्छा है और जो है काफ़ी अच्छे से ग्रिप है इसके लॉक की। तो ये गोल्डन कलर का है, ज़्यादातर जो आप लोग मेरे पास कड़े देखेंगे वो गोल्डन कलर के। ये भी बहुत अच्छा, अच्छी क्वालिटी का है मेरे पास काफ़ी, ये मेरी शादी के टाइम का है तो अभी तक जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, इसका कोई स्टोन भी नहीं ख़राब हुआ है। ये देखिए पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। पार्टी में आप ये पहने, इसके साथ जो मेरा पूरा सेट है वो मैं पहनती हूँ, तो ये बहुत बहुत ऑसम लगता है, मुझे काफ़ी पसंद है और मैंने ये काफ़ी दफ़ा जो है वो पहना है। इस तरीके से इसका लॉक है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। और इसका भी जो है एज़ यूजुअल मुझे जो है प्राइस नहीं पता, तो जिनकी मुझे प्राइस पता होंगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है और ये भी मैंने एक लोकल मार्केट से ख़रीदा था। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं अपनी शॉपिंग कराची से करती हूँ, तो ये मैंने सब कराची से लिया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से है, स्ट्रेच होता है और इस तरीके से इसको पहना जाता है। इसमें ये फुल स्टोन्स लगे हुए हैं और ये मैंने 500 और 550 का ख़रीदा था, समथिंग यही प्राइस है इसकी अप्रॉक्स, इतने का ही मैंने ख़रीदा था। और मैंने अभी ख़रीदा तो था बट ये मैंने पहना नहीं, क्योंकि मुझे कोई ड्रेस की मैचिंग के साथ जो है वो ये मैच होता हुआ नज़र नहीं आया, तो मैंने इसको रख लिया कि फिर किसी ड्रेस के साथ इसको मैच करके पहनूंगी। बहुत खूबसूरत देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये पहना हुआ, तो मुझे पसंद बहुत है बट अभी तक मेरी किसी ड्रेस के साथ ये मैच नहीं हो पाया। तो ये मैंने रखा हुआ है कि किसी टाइम काम आएगा, अब ईद आने वाली है तो इंशाल्लाह शायद उस पर ज़रूर पहनूंगी इसको, किसी ड्रेस के साथ इसको मैच करूंगी। नेक्स्ट जो है वो ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो आप मेहंदी पे पहने, आप माइयों पे पहने अपने ड्रेस के साथ, अपने मेहंदी ड्रेस के साथ, माइयों ड्रेस के साथ, या आप कैजुअली भी पहने तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये गोटे का काम हुआ हुआ है, इस पर पूरा ये जो है गोटे से बना हुआ है। और ये मैंने यहाँ लिबर्टी मार्केट से, ये मैंने लाहौर से ख़रीदे थे लिबर्टी मार्केट से, और ये मेरे ख्याल से 200 या 250 का जो है वो पेयर था। तो ये जो है मेरी नंद की शादी थी तो तब मैंने लिए थे, और मैंने अपनी सारी कज़न्स के लिए लिए थे, सारी जो है मेरी देवरानी वगैरह और जो मेरे ससुराल की तरफ से उन लोगों के लिए मैंने ये लिए थे, बहुत अच्छे हैं। मैंने ये अभी तो एक दफ़ा ही पहने हैं, ज़रूर और कुछ ऐसा ओकेज़न आएगा तो उस पर पहनूंगी मैं, तो ये भी बहुत अच्छे हैं।
ये जो हैं कड़े, ये मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किए थे। ये मैंने बहुत कम पहने क्योंकि मुझे इतनी हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं है, तो ये ज़रा मैंने स्टार्ट में ही पहने। अगर मैं कोई हैवी ड्रेस पहनती हूँ तो मैं उसके साथ पहन लेती हूँ। हैं ये भी बहुत खूबसूरत है और क्वालिटी जो है वो सबकी बहुत अच्छी है कि किसी का कलर ख़राब नहीं हुआ है। ये मेरे पास काफ़ी पुराने हैं बट ये क्वालिटी किसी की भी ख़राब नहीं हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और पहने में भी आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल है इस तरह के पेयर जो हैं वो आप लोगों को 500 तक की रेंज में मिल जाएंगे। ये भी कराची से मेरी मदर ने लिए थे, तो मेरा ख्याल है कि अप्रॉक्स 500 टू 600 की रेंज में आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप लोकली मार्केट से लें। ये मेरा मोस्ट फेवरेट कड़ा है और ये मैंने ऑनलाइन पेज से देखा था, फिर उसके बाद मैंने इसको ढूंढा मार्केट में, तो मुझे ये मतलब वो क्वालिटी वो उस तरह डिज़ाइन में नहीं मिला बट सेम मुझे काफ़ी हद तक उस डिज़ाइन में मिला। और ये मैंने 2000 का ख़रीदा था, ये मैंने अनारकली मार्केट जो लाहौर में है वहाँ से ख़रीदा था, वहाँ की ज्वेलरी अनारकली की बहुत बहुत औसम कलेक्शन है वहाँ पर, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कराची। वहाँ यहाँ अनारकली की ज्वेलरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो ये जो मैंने लिया था ये 2000 का लिया था मैंने, और ये मैंने अपनी देवर की मेरी शादी थी तो उस पर मैंने पहना था। ये आप एक ही पहन लो हाथ में तो आपको और कोई ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसका लॉक इस तरह स्क्रू से खुलता है, स्क्रू से, और इसी स्क्रू से बंद होता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत पर्ल्स इसके चारों तरफ लगे हुए हैं और स्टोन्स लगे हुए हैं और ये डल गोल्डन है। ये आपको इस तरह लाइट में जो है वो ज़्यादा गोल्डन लग रहा होगा बट ये थोड़ा सा डल गोल्डन है, प्योर गोल्डन नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो आपको मैंने और दिखाए कड़े। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट कड़ा है जो मैं बहुत शौक से पहनती हूँ, बट ये जो है आप लोगों को पता है इतना हैवी है तो ज़्यादातर ये पार्टी वेयर ही है, कैजुअली मैं इसको नहीं पहनती, ज़्यादातर पार्टी वेयर में पहनती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है ये वाला, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके जो हैं वो देखें आप, कॉपर कलर के स्टोन्स हैं और पर्ल्स लगे हुए हैं इस तरीके से ये है, और ये भी मैंने बहुत कम पहना है क्योंकि मैं ज़्यादा ओकेजनली ये चीज़ें पहनती हूँ, नॉर्मली जो है वो मैं नहीं पहनती, नॉर्मली मैं बहुत लाइट ज्वेलरी पहनती हूँ। तो ये देखिए आप पहना हुआ भी कितना खूबसूरत लग रहा है, हाथ में जच रहा है ये हाथ में जो है। और ये जो है ये मैंने 800 का ख़रीदा था, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट ईयर ये ख़रीदा था 800 का। ये देखिए इस पर पर्ल्स लगे हुए हैं और इसकी भी क्वालिटी आप देखें, किसी भी मैंने लोकली मार्केट से ख़रीदी है, ये नहीं कि मैंने किसी ब्रांड से ख़रीदी है या मैंने बहुत एक्सपेंसिव ख़रीदी है, मैंने ख़रीदी लोकल मार्केट से सारी ज्वेलरी, और आप देखें इसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर आप कंपेयर करो ब्रांडेड से और लोकल से तो इतना कोई फ़र्क नहीं है, हो सकता है थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क हो मे बी, बट हम लोग जितनी ज्वेलरी लड़कियाँ पहनते हैं तो अगर हम इतनी ब्रांडेड लें तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो मैं ज़्यादातर लोकल ही ख़रीदती हूँ, ब्रांडेड बहुत कम खरीदती हूँ कभी ओकेजनली। तो आप लोग को मेरी कलेक्शन कैसी लगी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।